नमस्कार, मैं हुशवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। आज एनएसजी अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1984 में स्थापित इस विशेष बल ने आतंकवाद और बंधक संकटों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएसजी में शामिल कमांडो बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं और उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में आतंकवाद रोधी अभियान, वीआईपी सुरक्षा और विस्फोटक निष्क्रिय करना शामिल है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद और अलगाववाद पर लताड़ा। कहा कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा और संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास में बाधाओं का जिक्र किया और सीपीईसी जैसे एक तरफा एजेंडे की आलोचना की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सहयोग के महत्व पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे डीए 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में जुलाई से सितंबर का 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। भारत के पूर्व उद्योगपति रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बल्कि एक दयालु व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। श्रद्धांजलि स्वरूप सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 11,000 हीरों से उनका पोर्ट्रेट बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उन्हें भारतीय कोहिनूर मानते हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली पर किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। दाल में मसूर के लिए 425 रुपये, सरसों के लिए 200 रुपये और गेहूं, चने और जौ के लिए क्रमशः 150, 105 और 115 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस कदम का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के चलते 17 अक्टूबर को दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर पुडुचेरी के बीच तूफान का खतरा है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान से दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। सोने चांदी की कीमतों में फिर से उछाल आया है। 24 कैरेट सोने का भाव 572 रुपये बढ़कर 76,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि जीएसटी सहित रेट 78,797 रुपये है। चांदी की कीमत 1,454 रुपये बढ़कर 91,254 रुपये प्रति किलो हो गई है। विभिन्न कैरेट के सोने के भाव भी बढ़े हैं, जैसे 22 कैरेट का रेट 70,076 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या से राजनीतिक और बॉलीवुड जगत में हलचल मच गई है। अंतिम विदाई में शाहरुख खान शामिल नहीं हुए, जिसका कारण हत्या के मामले में से बचना बताया गया है। सलमान खान के साथ उनके पुराने झगड़े को सुलझाने में बाबा सिद्दीकी की अहम भूमिका थी। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है, जो 15 दिसंबर 2024 तक चलेगी। परीक्षा 11 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। आवेदन शुल्क 2,000 रुपये है। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर आवेदन करना होगा और सभी निर्देशों का पालन करना होगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 4,000 रुपये और एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए 3,500 रुपये हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन बारिश के कारण पहले दिन का खेल बाधित हो गया। बेंगलुरु में कोहली ने एक युवा क्रिकेटर को साइन किया हुआ बैट भेंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को पुणे और तीसरा टेस्ट 1 नवम्बर को मुंबई में होगा। भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने का समझौता किया है, जिसकी कुल लागत 32,000 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 442 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को भेद सकते हैं। तीनों सेनाओं को अलग अलग संख्या में ड्रोन मिलेंगे, जो समुद्री और जमीनी सुरक्षा में मदद करेंगे। हुंडई के आईपीओ के प्रति निवेशकों की निराशा के बीच वारी एनर्जीज का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड
1427 से 1503 है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 85% बढ़कर 1280 पर है। आईपीओ से 3600 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है, जिसका उपयोग ओडिशा में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए होगा। भारत कनाडा संबंधों में हालिया तनाव के बीच कनाडा आई सुरक्षा खुफिया सेवा के निदेशक वैनेसा लॉयड ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान खालिस्तान चरमपंथ का समर्थन कर रहा है। उनका वीडियो वायरल हुआ जबकि कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए। भारत ने कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया और इन आरोपों को खारिज किया, स्थिति और बिगड़ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राज्यों को रंगों में बांटने की परंपरा 2000 के चुनाव से शुरू हुई, जब मीडिया ने रिपब्लिकन को लाल और डेमोक्रेट्स को नीला रंग दिया। यह रंग चुनावी विभाजन को और बढ़ा सकता है, लेकिन अब ये रंग अमेरिकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परंपरा आसानी से नहीं मिटेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भारतीय बच्चों के कल्याण में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक समाधान पर जोर दिया। उन्होंने सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए परिवार केंद्रित मॉडल विकसित किया, जिसमें अधिकांश बच्चों को संस्थागत देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। 1,00,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। हाल ही में भारत के दो राज्यों में चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने आम जनता को शिकायत दर्ज कराने का नया उपाय पेश किया है। अगर कोई व्यक्ति मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन देखता है तो वह सी विजिल ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग को सूचित कर सकता है। आयोग 90 मिनट के भीतर कार्रवाई करेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली से बैंगलोर जा रही अकासा एयर की फ्लाइट QP1335 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली लौटाया गया। विमान में 174 यात्री और 7 क्रू सदस्य सवार थे। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए मिली, लेकिन बाद में फर्जी साबित हुई। हाल ही में अन्य कई विमानों को भी इसी तरह की धमकियां मिली थी। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 तक होने वाले महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे को 1600 से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों का आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड ने NCR और NER मंडलों से बुकिंग क्लर्क और अन्य वाणिज्यिक कर्मचारियों को भेजने का निर्देश दिया है। खासकर स्नान दिवसों पर 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। राजस्थान के बूंदी में लापता बाघिन T-102 का कंकाल मिला। अधिकारियों ने इसे प्राकृतिक मौत करार दिया क्योंकि इसके दांत और नाखून सुरक्षित थे। पिछले 20 दिनों से खोज के बाद कंकाल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मिला। इसी दिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक मादा तेंदुए का शव भी बरामद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान डांस करते हुए अपना मस्ती भरा अंदाज दिखाया, जिसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रंप ने रैली में संगीत समारोह का माहौल बना दिया और लोगों को संगीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका के सहयोगियों ने उसके दुश्मनों से अधिक फायदा उठाया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे कई लोगों के ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। वेटिंग टिकट को कंफर्म करने के लिए यात्रियों को जनरल, रिमोट लोकेशन और पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जैसे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। ATS सुविधा का चयन करके यात्री अन्य ट्रेनों में कंफर्म सीट पा सकते हैं। कनेक्ट टिकट और तत्काल बुकिंग विकल्प भी यात्रा में सहायक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के समाधान योजना पर सुनवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक और अन्य की याचिका का फैसला सुरक्षित रखा है। NCLT ने योजना को बरकरार रखते हुए कंपनी का स्वामित्व जालान कल रॉक गठजोड़ को हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। अपीलकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। पाकिस्तान के बल्लेबाज कामरान गुलाम ने अपने पहले टेस्ट में शानदार शतक जड़ा है, जबकि बाबर आजम को टीम से बाहर किया गया है। मुल्तान टेस्ट में उन्होंने मुश्किल पिच पर 50 रन बनाए, जो बाद में शतक में बदला। इस बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने उन्हें मजाक में चाटा मारते दिख रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में 16 से 17 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, खेल प्रतियोगिताएं और हस्तशिल्प प्रदर्शनी शामिल है। 17 अक्टूबर को फूड और क्राफ्ट प्रदर्शनी के साथ सांस्कृतिक संध्या और आतिशबाजी का आयोजन होगा। सिंगापुर में एक भारतीय व्यक्ति पेरिया सामी मथिया झगन के अकाउंट में गलती से 16,00,000 रुपए आए। उसने पैसे खर्च कर दिए और लौटाने से इनकार कर दिया। महिला जिसने गलती से पैसे भेजे थे, उसने बैंक से संपर्क किया, लेकिन मथिया झगन ने वापस नहीं किया। अदालत ने उसे 9 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है।
मारुति सुजुकी ने फेस्टिव सीजन में अपनी लोकप्रिय कार स्विफ्ट का ब्लिट्ज एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें 49,848 रुपए की फ्री किट शामिल है। यह एडिशन 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और 24.8 किलोमीटर पर लीटर से 25.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। इसके अलावा कंपनी ने सीएनजी मॉडल भी पेश किया है, जो 33 किलोमीटर पर केजी की माइलेज प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की बहाली को अपनी प्राथमिकता बताया है, जबकि उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आश्वासन का उल्लेख करते हुए सांसद शेख रशीद से चुनावी जनादेश का सम्मान करने की अपील की। कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहने का फैसला करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। 64 वर्षीय जय किशोर प्रधान ने नीट पास करके उम्र की सीमाओं को तोड़ा है। एसबीआई से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का फैसला किया। अपनी जुड़वा बेटियों को नीट की तैयारी करते देखकर प्रेरित होकर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और वीर सुरेंद्र साइन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। उनकी यात्रा लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आईसीसी ने 16 अक्टूबर को 3 क्रिकेटर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के एवी डिविलियर्स, इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और भारत के नीतू डेविड। कुक 113वें, डेविड 114वें और डिविलियर्स 115वें स्थान पर हैं। सम्मान समारोह महिला T20 विश्व कप 2024 के अंतिम चरण में दुबई में मनाया जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, जुबैर आलम, रविशंकर, दीपक कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र के किसान सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।